हल्दिया में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जय श्री राम के नारे लगवाए। अच्छा देखिए, ये आलम तब है जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश चुनाव में इस तरह की गतिविधियों से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में साफ कहा कि चुनाव में धर्म, जाति, पंथ, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। तब के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था, चुनाव अनिवार्य रूप से एक धर्म निरपेक्ष गतिविधि है। और अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सलमान निजामी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अवधेश अवस्थी जी, संघ के समर्थक माने जाते हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। बहुत स्वागत आप दोनों का। अवधेश जी, पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर कि संविधान जो सेक्युलर गणतंत्र की व्यवस्था देता है, उसी संविधान की शपथ लेने वाले केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो बंगाल में वोट के लिए जय श्री राम का नारा देती हैं। उसी संविधान की शपथ लेने वाली मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो चुनावी मंच से चंडी पाठ करती हैं। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है सर? रोमाना जी, यही नहीं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री बने बाद में, उन्होंने कहा कि मुझे 90% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आप 65% हो, इकट्ठे हो जाओ तो ऐसी छलांग मारो, ऐसी स्ट्रोक मारो कि नरेंद्र मोदी बाउंड्री पार जाकर के गिरे। एक बात। दूसरी बात, ये तय कर लीजिए कि जय श्री राम का नारा जो है वो धार्मिक है या राजनीतिक है। ये जब मर्जी धार्मिक हो जाता है, जब मर्जी राजनीतिक हो जाता है। जय श्री राम के आधार पर हमारे संविधान में और संविधान के जो प्रणेता थे उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की कि स्वतंत्रता के पश्चात, विदेशी दासता से मुक्त होने के पश्चात देश में राम राज्य आएगा। अगर ये राम राज्य राजनीतिक अवधारणा है या धार्मिक अवधारणा है? अगर ये राजनीतिक अवधारणा है तो जय श्री राम का नारा राजनीतिक मंच से लगाने पर कोई आरोप नहीं लगा सकता, और अगर ये धार्मिक नारा है तो राजनीतिक मंच से नहीं, किसी को भी जय श्री राम के नारे पर लगाने पर ये नहीं कह सकता कि चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। ये नहीं, मतलब आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, आप गोल गोल जवाब, मैंने बिल्कुल सीधा, या फिर आप ये कहिए कि ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकने वाला नारा है, मतलब ये धार्मिक नारा भी हो सकता है और ये राजनीतिक नारा भी हो सकता है। मैंने वक्त परिस्थिति के हिसाब से इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? भगवान श्री राम के राज्य को आदर्श मान करके राजनीति का आदर्श माना जाता है। भगवान श्री राम को राजनीति के, राज्य प्रशासन के लिए आदर्श माना जाता है, इसलिए रामराज्य की परिकल्पना की महात्मा गांधी ने। तो सलमान निजामी, जब रामराज्य की कल्पना जो अवधेश जी कह रहे हैं साहब, वो तो संविधान निर्माताओं ने भी उसको स्वीकार किया था, उन्होंने महात्मा गांधी का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया, फिर जय श्री राम का नारा अगर चुनाव में लगता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना धर्म का इस्तेमाल जो है भाजपा ने चुनाव में किया है, और दूसरा जो हमारे देश के सैनिकों का इस्तेमाल किया है हिस्ट्री में, वैसा इस्तेमाल किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। मैं आपको कहता हूं कि जब सरकार कमज़ोर हो जाती है उसको धर्म का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हैरानगी तो ये है कि पहले कहा जाता था कि आप नेशनलिस्ट हैं और एंटी नेशनलिस्ट हैं, तो आप धर्म को इस्तेमाल करिए, लेकिन जब हमारे देश में लोग ही सुरक्षित ना हो, जब हमारे देश में कत्लेआम हो, जब जय श्री राम का नारा चुनाव में जो लग रहा है, ये संविधान का अपमान है या नहीं? बिल्कुल अपमान है। मैं कहता हूं कि अल्लाह हू अकबर भी नहीं लगना चाहिए और जय श्री राम नहीं लगना चाहिए। देखिए, हमारा देश जो है एक सेकुलर देश है जिसमें हर धर्म की इज्जत की जाती है, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। सरकार को चाहिए कि वो अपने कामों के नाम पे वोट लें, लेकिन यहाँ वोट किस नाम पे लिया जा रहा है कि आप हिंदू हैं या नहीं हैं, या सच्चे हिंदू हैं या नहीं हैं, नेशनलिस्ट हैं या नहीं हैं, आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? इस्लाम में भी ये नहीं है, हमें ये हक कोई नहीं देता कि हम बोले किसी को सच्चे मुसलमान है या नहीं। ठीक है सर, ठीक है। यहाँ पर जो बात सलमान निजामी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये संविधान का अपमान है, संविधान तो सेक्युलर होने की बात करता है ना। आप चुनाव में जब नारा लगाते हैं जय श्री राम, तो जाहिर सी बात है आप हिंदू वोटों की गोलबंदी कर रहे हैं, इन आरोपों को फिर आप कैसे नकारेंगे? हम तो संविधान की जय कर रहे हैं। संविधान की मूल प्रति में भगवान श्री राम के दरबार का चित्र था, संविधान का इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? उनकी जय जयकार करना तो संविधान की जय जयकार करना है। और सलमान निजामी सर, संविधान में क्या ये लिखा गया है? संविधान में क्या ये लिखा गया है कि जय श्री राम के नारे लगाकर वोट मांगिए? संविधान में तो साफ तौर पर कहा गया है कि साहब
हर धर्म का इस्तेमाल किया जाएगा संविधान में, तो ये कहा गया है ना रोमाना, संविधान ने ये तो नहीं कहा है कि जय श्री राम को आपको ऊपर रखना होगा, संविधान ने ये तो नहीं कहा है। नहीं, मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि चुनाव की घोषणा तो अभी इसी महीने हुई है ना, फरवरी में ही होगी। जय श्री राम का नारा तो जब चुनाव नहीं था तब भी लग रहा था, तो सर तभी लग रहा था ना, तब ममता बनर्जी वही तो वोट के लिए नहीं है, आप ये मान रहे हैं वोट के मंच से नहीं है, इसका मतलब वोट के लिए नहीं है। जय श्री राम का नारा हमारा सदाबहार नारा है। इन आरोपों को आप कैसे खारिज करेंगे कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू वोटों की गोलबंदी के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, इन आरोपों को कैसे खारिज करेंगे? लेकिन मुझे तो ये बताया गया कि तमाम ये सलमान निजामी साहब कहते हैं कि वो इमाम हिंद है, वो तो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है सबके हैं। हाँ। जब मैं ये कहता हूँ तो तब वो कहते हैं नहीं वो सबके हैं। ABP News आपको रखे आगे।